सबसे लंबे समय तक मत्स्यांगना मुद्रा में रहने का रिकॉर्ड प्रियदर्शनी एस ने बनाया, जिनका जन्म 1 फरवरी 2002 को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में हुआ था। उन्होंने 1 घंटे 15 मिनट के लिए मत्स्यांगना मुद्रा एक पद राजकपूत आसन को बनाए रखा। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 20 साल 1 महीने और 7 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 मार्च 2022 को की गई थी। कीलों और धागों का उपयोग करके भगवान गणेश की सबसे लंबी स्ट्रिंग कलाकृति बनाने का रिकॉर्ड रंजिता कुमारी ने बनाया, जिनका जन्म 8 मार्च 1994 को उडुपी कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने सुबह 10:40 से शाम 6 बजे तक 1400 कीलों का उपयोग करके लकड़ी के कैनवास बोर्ड पर कीलों को पहले हथौड़े से मारा, इसके बाद धागे के तारों का उपयोग करके कलाकृति को पूरा किया, जो 3 फीट × 3 फीट माप वाली थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 11 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे छोटी मधुबनी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड डॉली उन्नी कृष्णन ने बनाया, जिनका जन्म 9 जनवरी 1983 को केरल के कोल्लम में हुआ था, जो वर्तमान में पेंसिल्वेनिया राज्य यूएसए में रह रही हैं। उन्होंने मीडिया पेपर पर रंगीन पेन, पेंसिल और इरेजर का उपयोग करके एक सुंदर पेंटिंग बनाई, जो 1.8 सेंटीमीटर × 1.8 सेंटीमीटर माप वाली थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे लंबा बर्गर बनाने का रिकॉर्ड शेफ अजीत कुमार कन्नन ने बनाया, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1997 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ था। उन्होंने जैमीज कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गेहूं के आटे से बने 60 बर्गर बंस, फ्राइड चिकन, स्टीम्ड चिकन, भुना हुआ चिकन, तली हुई मछली, पनीर टोस्ट और ग्रिल्ड मीट समेत 12 तरह के सामान से भरे हुए गेहूं से 6 फीट लंबा बर्गर बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 मार्च 2022 को की गई थी। बाल काटने के लिए सबसे अधिक कैंची का उपयोग करने का रिकॉर्ड आदित्य जगदीश चंद्र देवड़ा ने बनाया, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1995 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रोफेशन से वो एक बार्बर हैं और उन्होंने बाल काटने के लिए 28 कैंची प्रत्येक हाथ में 14 कैंची का इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से 1 से 100 तक की गिनती डिसाइड करने का रिकॉर्ड समीक्षा सचिन देशमुख ने बनाया, जिनका जन्म 6 सितंबर 2016 को महाराष्ट्र के परभणी में हुआ था। उन्होंने धारा प्रवाह 1 से 100 तक की गिनती अंग्रेजी में केवल 39 सेकंड में सुनाई। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 5 महीने और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 मार्च 2022 को की गई थी। एक बोतल पर सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के कोट्स लिखने का रिकॉर्ड रंजिनी बी एस ने बनाया, जिनका जन्म 28 फरवरी 1998 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। उन्होंने एक कांच की बोतल के चारों तरफ महात्मा गांधी के 100 कोट्स लिखे। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 मार्च 2022 को की गई थी। आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे तेजी से स्नैक क्यूब को हल करने का रिकॉर्ड अंचिता आनंद कुमार अब्बाद ने बनाया, जिनका जन्म 13 जनवरी 2011 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर 15 सेकंड और 14 मिली सेकंड में स्नैक क्यूब को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल और 23 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 फरवरी 2022 को की गई थी। न्यूनतम चावल के दाने पर हनुमान चालीसा लिखने का रिकॉर्ड धवल मेहता ने बनाया, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1993 को राजस्थान के डूंगरपुर में हुआ था। उन्होंने 280 चावल के दानों पर पूरी हनुमान चालीसा हिंदी भाषा में लिखी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 फरवरी 2022 को की गई थी। 30 सेकंड में सबसे ज्यादा सिटअप्स करने का रिकॉर्ड दीपक मुंडगिलराज ने बनाया, जिनका जन्म 18 मार्च 2005 को तमिलनाडु के थेनी में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में 38 सिटअप्स किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 1 फरवरी 2022 को की गई थी। बिना किसी सहारे के हैंडस्टैंड पोजीशन में नॉनस्टॉप लेग स्प्लिट्स की अधिकतम संख्या का प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड रूपाली काबरा ने बनाया, जिनका जन्म 12 जनवरी 1983 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने खुद को शीर्षासन की स्थिति में रखा और दीवार के सहारे के बिना 12 मिनट और 45 सेकंड के लिए 611 नॉनस्टॉप लेग स्प्लिट्स का प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 फरवरी 2022 को की गई थी।
एक व्यक्ति द्वारा भगवान विष्णु के अधिकतम अवतारों को चित्रित करने का रिकॉर्ड अर्चा बीबी ने बनाया, जिनका जन्म 3 अप्रैल 2001 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने पोस्टर रंगों का उपयोग करते हुए कागज की विभिन्न शीटों पर भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार दशावतार को चित्रित किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 फरवरी 2022 को की गई थी। सबसे लंबी अवधि के लिए ट्री पोज वृक्षासन में अतिरिक्त वजन धारण करने का रिकॉर्ड विंस्टन वर्गिस ने बनाया, जिनका जन्म 1 सितंबर 1996 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। वो ट्री पोज वृक्षासन में 12 मिनट के लिए 6.55 किलोग्राम डंबल पकड़े रहे। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 मार्च 2022 को की गई थी। तीस सेकंड में अधिकतम सिंगल लेग रोप स्किप करने का रिकॉर्ड रमेश आर ने बनाया, जिनका जन्म 14 मई 1992 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ था। उन्होंने अपने बाएं पैर पर संतुलन और लंघन करते हुए 30 सेकंड में 110 सिंगल लेग रोप स्किप का प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 मार्च 2022 को की गई थी। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे तेजी से देशों को उनके महाद्वीपों द्वारा रिकॉल करने का रिकॉर्ड मिशिका शिनॉय ने बनाया, जिनका जन्म 6 जुलाई 2011 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट 29 सेकंड और 12 मिली सेकंड में 195 देशों को उनके महाद्वीपों द्वारा रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 10 साल 8 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 मार्च 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा एयरलाइन लोगों के अधिकतम संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड टी तेजस कृष्ण ने बनाया, जिनका जन्म 17 जुलाई 2018 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट 26 सेकंड और 98 मिली सेकंड में 144 एयरलाइन लोगों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 7 महीने और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे छोटी असमिया पारंपरिक जपी टोपी बनाने का रिकॉर्ड हफीजा बेगम ने बनाया, जिनका जन्म 20 जनवरी 2002 को असम की नलबाड़ी में हुआ था। उन्होंने बेकार कागज और गोंद का उपयोग करके व्यास में सबसे छोटी जपी टोपी बनाई, जो 5 मिलीमीटर माप वाली थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 2 फरवरी 2022 को की गई थी। सोने के साथ सबसे छोटी शतरंज बनाने का रिकॉर्ड राजेंद्र कुमार मल्होत्रा ने बनाया, जिनका जन्म 5 सितंबर 1961 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने शतरंज बोर्ड 1.2 सेंटीमीटर गुना 1.2 सेंटीमीटर माप वाला और शतरंज के टुकड़े 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर माप वाले सोने के साथ बनाए। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 मार्च 2022 को की गई थी। पेट पर एक गिलास रखते हुए सबसे लंबे समय तक डिम्बासन में रहने का रिकॉर्ड दिव्येश आर ने बनाया, जिनका जन्म 9 सितंबर 2005 को तमिलनाडु के गुम्मी डिपोंडी में हुआ था। उन्होंने 10 मिनट के लिए अपने पेट पर पानी के साथ आधा भरा गिलास संतुलित करते हुए खुद को डिम्बासन योग मुद्रा में रखा। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 16 साल 6 महीने और 1 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 मार्च 2022 को की गई थी। स्किप करते हुए सिंगल अंकों की अधिकतम संख्या को तेजी से जोड़ने का रिकॉर्ड कार्तिक केजरीवाल ने बनाया, जिनका जन्म 3 नवंबर 2012 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने 56 स्किप करते हुए तीव्र गति 0.4 सेकंड के साथ स्क्रीन पर चमकते हुए 100 नंबर जोड़े। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल 3 महीने और 21 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 फरवरी 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड आदिश्री ने बनाया, जिनका जन्म 17 जनवरी 2015 को केरल के इडुक्की में हुआ था। उन्होंने अपने तीसरे जन्मदिन के बाद से विभिन्न पेड़ों के 500 पौधे लगाए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 1 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 28 फरवरी 2022 को की गई थी।
15 मिनट में एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक पहेली को हल करने का रिकॉर्ड प्राणक्षी प्रभाकर ने बनाया, जिनका जन्म 19 मार्च 2018 को थेनी तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 73 पहेली हल की, जिसमें 2 से 7 टुकड़े थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 10 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 फरवरी 2022 को की गई थी। स्टेंसिल कला का उपयोग करके एक मलयालम अभिनेता का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड जगन्नाथ ए नायर ने बनाया, जिनका जन्म 5 मई 2008 को कोट्टायम केरल में हुआ था। उन्होंने स्टेंसिल आर्ट का उपयोग करके 280 A4 आकार के कागजों पर प्रणव मोहनलाल का एक सुंदर चित्र बनाया, जो 430 cm × 293 cm माप वाला था। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 मार्च 2022 को की गई थी। रेत कला में सभी देशों का रूपरेखा मानचित्र बनाने का रिकॉर्ड बादल बरई ने बनाया, जिनका जन्म 3 फरवरी 1980 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने रेत कला में 195 देशों का रूपरेखा मानचित्र बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 मार्च 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक भाषण देने का रिकॉर्ड आरोही खंडेलवाल ने बनाया, जिनका जन्म 9 दिसंबर 2014 को झारखंड के गुमला में हुआ था। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गणतंत्र दिवस, दिवाली, स्थानीय और मेरे रोल मॉडल के लिए गायन सहित विभिन्न विषयों हिंदी में 5 और अंग्रेजी में 8 पर 13 भाषण दिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 3 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 मार्च 2022 को की गई थी। I pledge with my hard work, I will make my country shine. Love motherland, let's make clean and green its every side. An inspiration to the world, my country, my India, my pride. Jai Hind. एक बच्चे द्वारा अधिकतम संख्या में घातीय शक्तियों को रिकॉल करने का रिकॉर्ड युविन वेधा संदीप ने बनाया, जिनका जन्म 20 फरवरी 2018 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 4 सेकंड में 1 से गूगल प्लेक्स तक की घातीय शक्तियों को रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 11 मार्च 2022 को की गई थी। स्याही टिकटों का उपयोग करते हुए भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड रंजीत कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 14 जुलाई 1991 को दारीहाट बिहार में हुआ था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का चित्र एक शीट पर स्याही टिकटों के छापों के साथ बनाया, जो 30 cm × 41.2 cm माप वाला था। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे लंबी अवधि तक एक सांस में बांसुरी बजाने का रिकॉर्ड डॉक्टर महेश कुमार जायसवाल ने बनाया, जिनका जन्म 19 फरवरी 1971 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने 4 मिनट और 7 सेकंड के लिए एक ही सांस में बिना रुके बांसुरी बजाई। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 51 साल और 14 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से एक बच्चे द्वारा 100 जीवों को पहचानने और याद करने का रिकॉर्ड वीएल बरनियो ने बनाया, जिनका जन्म 18 दिसंबर 2017 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 4 मिनट और 6 सेकंड में 100 जानवरों और पक्षियों के चित्रों की पहचान की और उनके नाम रिकॉल किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 2 महीने और 30 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 मार्च 2022 को की गई थी।
अपने आधिकारिक रिंगटोन द्वारा मोबाइल ब्रांडों की अधिकतम संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड यशवंत सिंह ने बनाया, जिनका जन्म 28 जनवरी 2017 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट और 26 सेकंड में एसर, एप्पल, एसएस, जियो, वीवो और आईटीएल सहित 44 मोबाइल ब्रांड की उनके आधिकारिक रिंगटोन द्वारा पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 1 महीने और 25 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 22 मार्च 2022 को की गई थी। स्केट्स पर अधिकतम एक हाथ वाली बास्केटबॉल ड्रिबलिंग करने का रिकॉर्ड अमृता विनोद ने बनाया, जिनका जन्म 9 अप्रैल 2017 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने एक हाथ से एक मिनट में 103 बार बास्केटबॉल ड्रिबल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 11 महीने और 12 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 मार्च 2022 को की गई थी। भारतीय क्रिकेटरों के सबसे अधिक पेंसिल चित्र बनाने का रिकॉर्ड हर्षप्रीत सिंह ने बनाया, जिनका जन्म 2 जून 2008 को झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और राहुल तेवतिया सहित भारतीय क्रिकेटरों के 70 पेंसिल चित्र एकल A3 आकार की शीट पर बनाए। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 मार्च 2022 को की गई थी। एक पोस्टर पर सबसे ज्यादा डूडल पैटर्न डिजाइन करने का रिकॉर्ड अंजना वीएस ने बनाया, जिनका जन्म 23 फरवरी 1993 को कोझिकोड केरल में हुआ था। उन्होंने 4x4 इंच के पोस्टर पर 200 अलग अलग डूडल पैटर्न प्रत्येक तरफ 100 डिजाइन किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 मार्च 2022 को की गई थी। पांच मिनट में सबसे अधिक अंग्रेजी शब्दों को पढ़ने का रिकॉर्ड अभिदन्या ताईवाड़े ने बनाया, जिनका जन्म 29 सितंबर 2017 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में 246 शब्द पढ़े। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 5 महीने और 18 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे अधिक व्हीप क्रीम डिजाइन बनाने का रिकॉर्ड असबीरा केके ने बनाया, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1996 को मलप्पुरम केरल में हुआ था। उन्होंने 12 मिनट और 25 सेकंड में 25 रंगों में व्हीप क्रीम डिजाइन बनाए। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 मार्च 2022 को की गई थी। एक जोड़ी द्वारा पक्षियों की अधिकतम संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड अबीर रामकृष्णन ने अपने जुड़वा भाई के साथ बनाया, जिनका जन्म 21 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उन्होंने 4 मिनट 17 सेकंड में 248 पक्षियों की पहचान चित्रों को देखकर की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 11 महीने और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 मार्च 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा मानव शरीर में मांसपेशियों की अधिकतम संख्या के नामों और कार्यों की व्याख्या करने का रिकॉर्ड अंकित घोष ने बनाया, जिनका जन्म 28 अप्रैल 2014 को उत्तरपाड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो वर्तमान में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों के नाम, उनके कार्यों और शरीर के विभिन्न हिस्सों की मांसपेशियों की गणना की। कुल मिलाकर उन्होंने मानव शरीर में 650 मांसपेशियों में से 620 को 6 मिनट 39 सेकंड और 27 मिली सेकंड में बताया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 11 महीने थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 मार्च 2022 को की गई थी।
अधिकतम कार ब्रांड की पहचान करने का रिकॉर्ड कृष्णील विनोद पाटिल ने बनाया, जिनका जन्म 2 अगस्त 2019 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 46 सेकंड में 101 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांडों के नामों की पहचान की और उन्हें रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 7 महीने और 14 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 मार्च 2022 को की गई थी। सबसे ज्यादा कहानियां सुनाने का रिकॉर्ड धवानी अश्मी ने बनाया, जिनका जन्म 11 मई 2014 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने 23 मिनट 20 सेकंड में 2 अलग-अलग भाषाओं मलयालम में 11 और अंग्रेजी में 10 में 21 कहानियां सुनाई। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 9 महीने और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 मार्च 2022 को की गई थी। एक साइकिल अभियान में अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड श्रुति रावत ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बनाया, जिनका जन्म 2 अप्रैल 2000 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने 2 फरवरी 2021 को वाघा सीमा पंजाब से सवारी शुरू की और 24 अप्रैल 2021 को तवांग अरुणाचल प्रदेश में समाप्त की। उन्होंने 8 भारतीय राज्यों और 1 देश नेपाल की सवारी करके 5,700 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 मार्च 2022 को की गई थी।